पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सेस नेटवर्क में डीएसएल डिस्कस किया था, और उससे पहले हमने केबल मॉडेम एंड और एक और कौन सा था, डायलॉग मॉडल डायलअप मॉडेम, सॉरी, हाँ, डायलअप मॉडेम डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम लोग एचएफसी जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एचएफसी नेटवर्क। ओके, सो सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केबल मॉडेम जो है, केबल मॉडेम का कॉन्सेप्ट आपके ऑप्टिकल फाइबर एंड जो केबल टीवी से जो नेटवर्क होता है वहाँ पर इस्तेमाल होता है। इंडिया में तो नहीं, लेकिन काफ़ी अमेरिका में एंड सम अदर कंट्रीज़ में जहाँ पर केबल मॉडेम काफ़ी का अच्छा नेटवर्क सेटअप हो चुका है पहले से, तो दैट केबल मॉडेम, केबल जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, दे ऑफर द इंटरनेट एक्सेस विद द हेल्प ऑफ देयर केबल टीवी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो उनका केबल टीवी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी से वो इंटरनेट एक्सेस भी अपने कस्टमर्स को ऑफर करती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो एक्चुअली वो एक एचएफसी नेटवर्क मेंटेन करती हैं, जिसे हम एचएफसी के फुल फॉर्म है हाइब्रिड फाइबर कोएक्सियल केबल। यू कैन सी दिस डायग्राम। सो दिस डायग्राम सोच कि एचएफसी नेटवर्क कैसे काम करता है, या एचएफसी नेटवर्क का आर्किटेक्चर या सेटअप क्या है। सो लेट्स सी व्हाट आर द एलिमेंट्स इन दिस डायग्राम एंड हाउ दे फंक्शंस। सो फर्स्ट यू कैन सी दैट हियर दिस इज ए इंटरनेट। ओके, तो इंटरनेट से आपको पहले ऑब्वियसली जब आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो आपको ग्लोबल इंटरनेट जो है उससे आपके अपने नेटवर्क को कनेक्ट करना पड़ेगा। सो सपोज दैट देर इज सम कंपनी एक्स जो केबल टीवी सर्विस ऑफर करती है, और उसने अपना एक नेटवर्क ये सेटअप किया हुआ है। तो ये नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहले उनका एक सेंट्रल ऑफिस होगा कंपनी का, एंड जिसे हम केबल हेड एंड बोलते हैं। ओके, केबल हेड एंड पर दे विल पुट ए सीएमटीएस। ओके, सो सीएमटीएस इज एक्चुअली ए केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम है। एंड हेड एंड के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ब्लॉक में लिखा हुआ है फाइबर नोड, और फाइबर नोड्स जो है ये कई सारे होम्स को कनेक्टिविटी दे रहे हैं। ओके, सो दिस अंडर दिस फाइबर नोड यू कैन सी दैट देर इज ए केबल, एंड देन केबल से होम्स को कनेक्शन दिखाया गया है। सो दैट मीन्स फाइबर नोड्स आर एक्चुअली बिहेव लाइक ए जंक्शन, और जहाँ से कई सारी केबल्स बाहर को जाती हैं, या ये कहिए जहाँ पर कई सारी केबल एक साथ कंबाइंड हो जाती हैं, एंड ईच केबल गिव्स कनेक्शन टू हाउस होल्ड्स। ओके, सो इंटरनेट कनेक्शन हाउस होल्ड्स को देते हैं। सो इनिशियली केबल टीवी भी सिग्नल्स डिलीवर होंगे और इंटरनेट के सर्विसेज भी डिलीवर होंगे। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस। सो सबसे पहले ये जो केबल हेड एंड है, इसका काम क्या है कि ये इंटरनेट से सिग्नल रिसीव करता है। तो ये जो इंटरनेट से इनका जो राउटर है, दैट राउटर इज रिसीविंग सिग्नल। सो ये इंटरनेट से डायरेक्ट आप किसी आईएसपी से कनेक्शन हो सकता है लिए हो, लार्ज आईएसपी से, पावरफुल जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का आईएसपी हो उससे आपने इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, और हो सकता है आपने सैटेलाइट्स के थ्रू किसी एएसपी से कनेक्शन ले रखा है, और सैटेलाइट से आपने एक बहुत बड़ी छतरी या टावर लगा करके हेड एंड पर सिग्नल्स आप रिसीव करते हैं। ओके, तो मल्टीपल वेज हो सकते हैं सिग्नल इंटरनेट से रिसीव करने के, जो भी एक्सेस जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उसके अकॉर्डिंग आप आईएसपी से जनरली कनेक्शन ले सकते हैं, या यू कैन रिसीव द सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट्स ऑल्सो। ओके, नाउ सैटेलाइट से जो सिग्नल रिसीव हुआ है उसे यहाँ पर, ये जो सिग्नल है जनरली इंटरनेट से जो कनेक्शन आता है आपका वो डिजिटल होगा, अगर सैटेलाइट से ले रहे हैं तो एनालॉग होगा ऑब्वियसली, तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली वट एवर सिग्नल इज देयर, जो सीएमटीएस है, सीएमटीएस का काम क्या है कि ये जो सिग्नल है उसे क्लाइंट्स तक पहुंचाना है। सिग्नल एक्चुअली डेटा जो है सिग्नल्स के फॉर्म में आने वाला है, और उस सिग्नल को आपको डिलीवर करना है, और यहाँ पर दोनों तरीके के सिग्नल्स आपके पास हैं, केबल टीवी का भी सिग्नल होगा। ओके, केबल टीवी भी है और इंटरनेट से आने वाले डेटाज के सिग्नल्स भी है। नाउ यू कैन सी हियर द ब्लू कलर केबल। सो दिस ब्लू कलर केबल इज एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो जो सी एम टी एस है, यहाँ से आप क्या करेंगे, सिटी मान लीजिए एक लार्ज सिटी में नेटवर्क है,
तो आप सिटीज के कई कई एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में या रीजन्स में आपने क्या किया, ऑप्टिकल फाइबर से सिग्नल चैनल्स, आप ऑप्टिकल फाइबर्स आपने केबल लेट डाउन कर दी, और जो फाइबर नोड है उसे आपने इस CMTS से ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू कनेक्ट कर लिया। ओके, सो चूंकि ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो सिग्नल ट्रेवल करेगा, दिस सिग्नल विल बी ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, ऑप्टिकल इन नेचर, सो ये ऑप्टिकल सिग्नल होगा, इलेक्ट्रिक नहीं होगा। ओके, एंड वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर, यहाँ से जो सिग्नल आने वाला है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा या मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे, तो अल्टीमेटली उनको ऑप्टिमल से जो ऑप्टिकल सिग्नल है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दैट शुड बी डन बाय द CMTS, एंड CMTS विल ऑल्सो डू द मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, वी विल सी दैट कैसे, क्यों जरूरत है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग की। ओके, सो नाउ ये जो सिग्नल है आपके जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से होकर के फाइबर नोड्स के पास जाएगा। ओके, नाउ ये जो फाइबर नोड है ये स्पेशल टाइप के नोड्स हैं, ये स्पेशल टाइप के कनेक्टर्स हैं, ये एक तरीके से टर्मिनेटर का भी काम करते हैं। टर्मिनेटर का मतलब क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पर जो केबल है ये ऑप्टिकल केबल है आपकी, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, और यहाँ जो केबल है ये कोएक्सियल केबल होती है। ओके, तो कोएक्सियल केबल जो है, अभी हम थोड़ी देर बाद में कोएक्सियल केबल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, केबलिंग डिस्कस करेंगे देन। तो कोएक्सियल केबल में जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल होता है वो ऑप्टिकल सिग्नल होता है, दैट मीन्स लाइट होती है, गाइडेड बीम होती है, लेजर लाइट हो सकती है। ओके, सो ऑप्टिकल सिग्नल को आपको अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो फाइबर नोड है इसका काम क्या है कि ये एक तो आपकी ऑप्टिकल केबल को टर्मिनेट कर रहा है यहाँ पर, एंड ऑप्टिकल और कोएक्सियल केबल के बीच में कनेक्टिविटी ऑफर कर रहा है। ओके, तो एक तरीके का काम सिग्नल ट्रांसलेशन का काम करता है, ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलना, इलेक्ट्रिक सिग्नल को वापस ऑप्टिकल सिग्नल में बदलना, ये दोनों काम करेगा। ओके, सो ये जो है, ये जो डिवाइस है, दिस डिवाइस इज कॉस्टली, एंड नाउ ये जो यहाँ से आप देखेंगे कोएक्सियल केबल इज गोइंग देयर, एंड कोएक्सियल केबल से आप फिर जैसे घर में कनेक्शन आता है यहाँ पर, आप कुछ कट लगा करके एक जॉइंट से, या टी कनेक्शन, टी कनेक्टर्स या कनेक्टर्स के थ्रू आप केबल, एक और स्मॉल केबल आप लेते हैं। ओके, और उस केबल से आप अपने घर में एक जो आपका डिवाइस होती है जिसे हम जनरली मॉडेम बोलते हैं, तो यहाँ पर ये वो केबल मॉडेम होगा, तो केबल मॉडेम के थ्रू आप सिग्नल रिसीव करेंगे। ठीक है, तो एक एक साइड आपकी टेलीविजन कनेक्टेड होगी, और टेबल मॉडेम में एक और पोर्ट होगा जिसको आप RJ45 पोर्ट कहते हैं, उस पोर्ट से आप अपने कंप्यूटर या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जिससे आपको इंटरनेट एक्सेस करना है उसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो केबल मॉडेम का फंक्शन, यहाँ केबल मॉडेम यहाँ शो नहीं किया गया, बट वी विल डिस्कस अबाउट द केबल मॉडेम क्या है। ओके, तो नाउ ये जो केबल है, ये एक फाइबर नोड जो है, डिपेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, ये 500 से लेकर के 5,000 तक के हाउसेस को कनेक्शन डिलीवर कर सकता है। ओके, सो ये तो हो गया केबलिंग का काम। नाउ यहाँ पर क्या होगा कि जब जैसे यहाँ से कोई इंटरनेट सिग्नल आता है, तो इस जगह पर दोनों सिग्नल्स होंगे। नाउ इन सिग्नल्स को आपको यहाँ डिलीवर करना है, और दोनों सिग्नल्स फिर आपके केबल के थ्रू होते हुए यहाँ से ट्रांसलेट होंगे, यहाँ ऑप्टिकल सिग्नल था, यहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा, और आपके हाउस होल्ड्स को पहुँच जाएंगे। नाउ हाउस होल्ड्स पर जब सिग्नल जाएगा, तो ऑब्वियसली दोनों सिग्नल्स एक साथ आएंगे। ओके, सो आपको जो हाउस होल्ड जहाँ पर होगा, सो ये जो सपोज ये हाउस है आपका। ओके, सो यहाँ पर यू नीड टू हैव ए मॉडेम, एंड योर मॉडेम शुड कनेक्ट बोथ योर टेलीविजन एंड दिस इज योर सपोज टेलीविजन, एंड दिस इज योर लेट से लैपटॉप। ओके, दिस इज टीवी, एंड इसे हम, दिस इज अ मॉडेम जिसे हम जनरली यहाँ पर केबल मॉडेम बोलते हैं। ओके, और ये जो केबल मॉडेम है आपका, जो मेन केबल जा रही है, ये जो मेन केबल जो मैंने अभी वहाँ दिखाई थी डायग्राम में, ये जो मेन केबल जा रही है, यहाँ पर एक कनेक्टर आप लगाएंगे, कनेक्टर से आप इस केबल को जोड़ेंगे, और ये केबल आपके घर में
जो आपका सेट ऑफ बॉक्स जनरली आप इसे बोलते हैं, तो वो सेट ऑफ बॉक्स जैसा ही होगा वो ये डिवाइस, बट दैट डिवाइस इज केबल मॉडेम। सेट ऑफ बॉक्स जैसी एग्जैक्टली नहीं है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेट ऑफ बॉक्स। नाउ ये जो यहाँ पर जो फंक्शन है वो कैसे होगा कि ओब्वियसली यहाँ पर जो सिग्नल आने वाला है, ये जो सिग्नल आपको रिसीव होने वाला है, तो ये जो सिग्नल रिसीव होने वाला है इसमें दोनों सिग्नल्स मिक्स होंगे। ओके, सो यू हैव बोथ केबल टीवी सिग्नल, इस यहाँ पर जो सिग्नल है वो केबल टीवी सिग्नल भी होगा, एंड योर डेटा सिग्नल भी होगा। डेटा सिग्नल से मतलब मेरा है जो इंटरनेट से आने वाला सिग्नल है, फॉर योर कंप्यूटिंग डिवाइस। है ना? तो केबल मॉडेम का काम क्या होगा कि इन दोनों सिग्नल्स को सेपरेट करना। सो दिस मॉडेम विल हैव ए स्प्लिटर, एंड इसके बाद ओब्वियसली मॉडेम जो है तो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल आने वाला है ये इलेक्ट्रिक है, टीवी के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल है कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नल देना पड़ेगा। तो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन होगा, हम मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो केबल मॉडेम है इसका काम क्या है, सिग्नल्स को स्प्लिट करना एंड मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन करना। और जब आप कुछ अपलोड कर रहे हैं, व्हेन यू आर अपलोडिंग समथिंग ऑन द इंटरनेट, जब आप इंटरनेट से कुछ मैसेज भेज रहे हैं, तो ये तो थी डाउनलोडिंग की बात है, ऐसे ही आप अपलोडिंग भी करेंगे, तो अपलोडिंग में टीवी से तो कुछ अपलोड नहीं होता है, बट इंटरनेट से अपलोड होगा, है ना? तो इंटरनेट से अपलोड होगा तो दैट डेटा जो डिजिटल है इट शुड बी कन्वर्टेड बैक टू द एनालॉग सिग्नल, और एनालॉग सिग्नल के थ्रू आपके केबल पर जाएगा। सो दिस इज हाउ योर इंटरनेट एक्सेस विल बी डन एट होम। ठीक है, इस तरीके से आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे, एंड दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ ए केबल मॉडेम। ओके, तो ये एक अलग एक्सक्यूज मी तरीके। हाँ हाँ बताइए। सर, एक छोटी सी क्वेश्चन हाँ बताओ। सर, वो मतलब हम लोग जब ऑप्टिकल फाइबर कनेक्ट करते हैं सर, तो एक एक्स्ट्रा डिवाइस किया जाता है सर होमिंग में, सर वो क्यों यूज होती है सर? कहाँ पे? सर, हम लोग जब घर में इंटरनेट एक्सेस लेते हैं ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, तो सर एक और एक्स्ट्रा डिवाइस वो लोग लगाते हैं सर, वो तो उन लोगों को भी पता नहीं सर, लेकिन मतलब सर वो क्यों यूज होता है? किस टाइप की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आप? टेक्नोलॉजीज में पे डिपेंड करता है जनरली, सर ऑब्वियसली जब ई फोन और जी फोन टाइप का कोई डिवाइस लगाते हैं वो। सर, जैसे अपने घर में एक्चुअली मैंने अभी सर मैंने एयरटेल का कनेक्ट किया है, तो ऑप्टिकल फाइबर था, तो उन्होंने बोला कि डायरेक्ट केबल नहीं आ सकता, आपको एक और बीच में डिवाइस लगानी पड़ेगी जिससे आपका कनेक्शन आएगा। हाँ, तो वो एक्चुअली कन्वर्जन करेगी ना, आपकी जो डिवाइस है ना वो इलेक्ट्रिक डिवाइस होगी, टेलीफोन भी आप ले रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसे चाहिए होगा। तो केबल टेप जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है उसमें सिग्नल ऑप्टिकल आता है, तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल डिवाइस ऑप्टिकल सिग्नल को आपकी मशीन प्रोसेस नहीं कर सकती, और ना ही उसके बेस पर वो फंक्शन कर सकती है ना? जैसे आप लैपटॉप अगर आप दे रहे हैं तो लैपटॉप कैन नॉट वर्क विद ऑप्टिकल सिग्नल्स, है ना? तो और ऑब्वियसली जब आप टेलीफोन कनेक्शन लाएंगे ना, टेलीफोन लगाएंगे तो, और टेलीफोन जो डिवाइस होगी आपकी, तो वो डिवाइस अल्टीमेटली वॉइस सिग्नल लेकर के आएगी, जो कि सिग्नल कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अलग है, ऑप्टिकल सिग्नल अलग अलग होता है, सिग्नल का इंटरनल कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको, है ना? तो वो इंटरनल कन्वर्जन करने के लिए वो भी एक ऑप्शन, ये एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा क्या है कि अगर आप ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको एक प्रॉपर प्लेस पर टर्मिनेट करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके घर के अंदर लेके आएंगे तो ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत डेलिकेट केबल होती है, और यस सर, वो आसानी से मतलब डैमेज भी हो जाती है ना? तो उसको वो जनरली कंपनीज क्या करती है, एक डिस्टेंस पर ही टर्मिनेट कर देती हैं, जिससे उसके साथ उसके डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएं, है ना? तो फिर वहाँ से वो केबलिंग को जो नॉर्मल वायर लेकर के आते हैं, और नॉर्मल वायर पर अगर किसी का पैर पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन ऑप्टिकल केबल के साथ ये दिक्कत है। ओके, तो वो भी एक रीज़न है, और दूसरा मेन रीज़न कन्वर्जन का है, सिग्नल कन्वर्जन का। ठीक है, जैसे यहाँ भी तो हम देख रहे हैं ना कि यहाँ भी हमें ये मॉडेम क्यों लगाना पड़ रहा है, जो ये जो डायग्राम में जैसे मैंने दिखाया, यहाँ पर फाइबर नोड हम क्यों लगा रहे हैं? सो ये फाइबर नोड एक तरीके का एक डिवाइस है एक्चुअली, जो दोनों ऑप्टिकल केबल को यहाँ से टर्मिनेट कर रही है, और जिससे जिसमें आप अपनी कोएक्सियल केबल ऐड कर पाएँ। तो ये जो केबल है कोएक्सियल, ये इस पर जो सिग्नल जाएगा वो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, और आप यहाँ से जो सिग्नल रिसीव कर रहे हैं वो सिग्नल कौन सा है, लेजर लाइट है या जो भी बीम होगी, ठीक है, एलईडी से जनरेट हुई लेजर भी हो सकती है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स कैन बी यूज्ड। तो
तो अल्टीमेटली उस ऑप्टिकल सिग्नल को आपको इलेक्ट्रिक सिग्नल में यहाँ लाना है, क्योंकि इस केबल से ऑप्टिकल सिग्नल फ्लो नहीं हो सकता। जो कोएक्सियल केबल है ये केवल इलेक्ट्रिक सिग्नल को अलाउ करती है, एंड ये जो केबल है ये केवल ऑप्टिकल सिग्नल को अलाउ करती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको एक ट्रांसलेशन या इंटरफेसिंग रिक्वायर्ड है ना, नहीं तो ये केबल्स आपस में कैसे कनेक्ट होंगी। सो ये जो फाइबर नोड है ये एक नॉर्मल नोड नहीं है, इट इज ए काइंड ऑफ नोड दैट कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक टू ऑप्टिकल, ऑप्टिकल टू इलेक्ट्रिक, बोथ एंड में कन्वर्जन करता है, और टर्मिनेटर के तौर टर्मिनेशन भी प्रोवाइड करता है दोनों का। तो आप यहाँ केबल प्लग इन कर देंगे, इस केबल को इधर प्लग इन कर देंगे, और दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन ये दे देगा, सिग्नल ट्रांसलेशन भी करेगा। ओके सो नाउ नाउ सी एम टी एस का क्या रोल है कि जैसे आपके सारे सिग्नल्स जब आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीपल केबल सिग्नल्स आ रहे हैं, मल्टीपल ऑप्टिकल केबल से सिग्नल आ रहे हैं, तो ये सब सिग्नल्स को रिसीव करेगा एंड देन अल्टीमेटली एक सिंगल केबल पर आपको उसे ट्रांसमिट करना है। और ये जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, ऑप्टिकल, और यहाँ जो सिग्नल जाना है ज़्यादातर केस में वो इलेक्ट्रिकल होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होगा। तो अल्टीमेटली सी एम टी एस का काम इसको ट्रांसलेट करना भी होगा, और ये सारे सिग्नल्स को कंबाइंड भी करेगा। कंबाइंड करने का मतलब हो गया आपको मल्टीप्लेक्सिंग करना पड़ेगी, आपको मल्टीपल सोर्सेस से आने वाले जो सिग्नल्स हैं उनको कंबाइंड करके एक सिंगल सिग्नल में बदलना है, सो दैट योर सिग्नल कैन ट्रेवल टू दिस केबल। सो सी एम टी एस का ये रोल है, तो यहाँ भी सिग्नल्स का ट्रांसलेशन होगा एंड मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग भी होगी। हाँ बताओ। सर कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग मैसेज कर रहे हैं ना। ओके 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 आई डिड नॉट गेट एनी साइन साउंड एक्चुअली, सो दैट्स वाई आई डिडेंट नो दैट। ओके सो ये तो है आपका केबल टीवी। केबल टीवी में जो नाउ अब आती है बात डेटा रेट की, तो केबल टीवी में जो डेटा रेट है वो ये जो एच एफ सी नेटवर्क है जो डेटा रेट ऑफर करता है, इसमें दो तरीके की डेटा रेट आपकी हैं। एक तो होगी अपलोडिंग, अपलोडिंग के लिए जो डेटा रेट मिलने वाली है, तो अपलोडिंग की डेटा रेट आपकी 30 पॉइंट, तो व्हाट इज दैट, 30 पॉइंट समथिंग, 30.7 Mbps है, एंड डाउनलोडिंग 42.8 है, 30.7 Mbps काफ़ी है, एंड डाउनलोडिंग जो कि ओबियसली डाउनलोडिंग के लिए ज़्यादा डेटा रेट रखी जाती है, डाउनलोडिंग के लिए 42.8 Mbps सकती है। सिमिलरली यहाँ जो आपकी जो केबलिंग है, हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो केबल है उसकी पूरी जो कैपेसिटी है कोएक्सियल केबल की, जो बैंडविथ है, उस बैंडविथ को ये कुछ इस तरीके से डिवाइड करता है। मेजर पोर्ट ऑफ पार्स पोर्शन ऑफ द बैंडविथ इज रिजर्व फॉर केबल टीवी सिग्नल्स, ठीक है, केबल टीवी सिग्नल, देन बाकी के बचे में बचे पार्ट को दो पीसेस में डिवाइड किया जाता है। एक स्मॉलर पीस दिया जाता है अपलोडिंग के लिए, जहां से आपका जो अप सिग्नल है जो आप अपने लैपटॉप से दूसरी जगह भेजेंगे या इस नेटवर्क पर भेजेंगे, तो अपलोडिंग के लिए आपकी बैंडविड्थ रिजर्व है, और कुछ ज़्यादा इससे ज़्यादा बैंडविड्थ आपकी रिजर्व रहती है डाउनलोडिंग के लिए। तो ये तो हो गया ऑप्टिकल केबल की बैंडविथ का डिवीजन। तो इस तरीके से तीन पीसेस में बैंडविथ को डिवाइड कर दिया जाता है, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग एंड केबल टीवी। सो इस जिससे ये सिग्नल्स सेपरेटली मतलब पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट बैंड में ट्रैवल कर पाए, सो दैट एक साथ तीनों सिग्नल्स ट्रैवल करें मिक्स हो करके। सो दिस इज हाउ बैंडविथ इज डिवाइडेड। ओके नाउ आप देख सकते हैं कि जो केबल टीवी नेटवर्क है ये भी असिमेट्रिक नेटवर्क है, ठीक है। असिमेट्रिक नेटवर्क से मतलब ये है कि इसकी जो डेटा रेट है वो असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक डेटा रेट का मतलब अपलोडिंग के लिए डेटा रेट कम है, डाउनलोडिंग के लिए डेटा रेट ज्यादा है। तो उसके पीछे रीजन यही है जो कि डीएसएल में रीजन था कि यूजर अपलोड कम करता है डाउनलोड ज्यादा करता है, जो डाउनलोडिंग का जो ट्रैफिक है वो ज्यादा होता है हमेशा अपलोडिंग का ट्रैफिक से कम के कंपेरिजन में।
ओके, तो इसलिए यहाँ इसको भी असिमेट्रिक रखा गया है। नाउ इस केबल टीवी में एक और डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर केबल टीवी में चूंकि आप देख रहे हैं कि ये जो फाइबर नोट्स हैं यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है सो आपके केबल पर जा रहा है। नाउ ये जो केबल है आप देखेंगे ये एक तरीके से बस तरीके बस टाइप की टोपोलॉजी बन रही है यहाँ। सो वट एवर यू सेंड ऑन दिस केबल विल बी हर्ड बाय एवरी वन। ओके, सो इट इज़ ए काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। तो इसमें सब लोग जो भी सिग्नल है वो सबको मिलता है, एंड जो रिसीविंग डिवाइस के लिए जो सिग्नल है वो रिसीवर रिकॉग्नाइज करता है कि उसमें उसका एड्रेस होगा। अगर वो उसमें एड्रेस है सिग्नल में तो वो रिसीवर उसे एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज इग्नोर कर देता है। सो दैट मीन्स एवरीबडी इज रिसीविंग दैट सिग्नल। एंड सिमिलरली जब आप अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड करने पर ये जो केबल आप देख रहे हैं दिस इज अ शेयर्ड केबल। तो शेयर्ड केबल है तो ऑब्वियसली इस केबल का एक्सेस जो है आपको डेडिकेटेडली अवेलेबल नहीं है। तो यू हैव टू फाइट फॉर दैट, फाइट फॉर गेटिंग एक्सेस टू दैट केबल। ठीक है, फाइट से मतलब मेरा है कम्पीट करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर आपको मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल की भी ज़रूरत होगी। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए इसमें और भी कोई केबल टीवी से रिलेटेड कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम डॉक्सिस स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो करंट जो स्टैंडर्ड है वो डॉक्सिस 2.0 है। हालांकि हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है। ओके, सो यहाँ पर भी आपको मैक प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। वी विल सी दैट मैक प्रोटोकॉल क्या होता है। मैक प्रोटोकॉल का सिंपल फुल फॉर्म जो फुल फॉर्म है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल है। और सिंपली अगर आप सिंपल वर्ड में मैक प्रोटोकॉल को समझना चाहें तो मतलब ये है कि ये जो केबल है इस केबल को सबको यूज करना है। तो ऑब्वियसली इसको कम्पीट इसको इसका एक्सेस लेने के लिए सबको कम्पीट करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए सपोज करिए कि आप चार आपके घर में चार लोग हैं, चार भाई हैं आप, और आपके घर में एक ही बाइक है। अब आपको उसी बाइक से आना जाना है तो ऑब्वियसली आपको उन बाइक बाइक को ग्रैब करने के लिए कम्पीट करना पड़ेगा। क्योंकि एक साथ अज्यूम कर लेते हैं कि सबके वर्क अलग अलग हैं, वर्किंग डेस्टिनेशन अलग अलग हैं, तो सबको जो है ना बाइक के लिए एक एक करके ही बाइक का आप यूज कर पाएंगे। तो आपको उसके लिए कम्पीट करना पड़ेगा, है ना। सो सिमिलरली यहाँ भी आपको बैंडविथ के लिए, बैंडविथ या चैनल का एक्सेस मिलने की प्राप्त करने के लिए कम्पीट करना पड़ेगा। तो इसमें मैक प्रोटोकॉल में जो आपके नोड्स हैं वो कम्पीट करते हैं, और वो जो मैक प्रोटोकॉल आपका इम्प्लीमेंटेड होगा वो आपके केबल मॉडेम जो है आपका उसमें इम्प्लीमेंटेड होगा। जो आपके हाउस होल्ड पर डिवाइस होगी वो कम्पीट करेगी। तो वो चैनल को कैच करने के लिए, ग्रैब करने के लिए जो प्रोटोकॉल होगा, जो भी प्रोटोकॉल है वो आप वो इस्तेमाल करके चैनल को एक्सेस करेगी। और जब चैनल का एक्सेस मिल जाएगा तब वो अपना डेटा अपलोड करेगी। तो ओबियसली इसमें जब आपको कंपीट करना है तो कंपीट करने का मतलब क्या हुआ कि आपको पूरी बैंडविथ नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेटली जो बैंडविथ है वो नंबर ऑफ यूजर्स में अगर हम आइडियली केस में कहें तो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो जो थर्ड जो अब मैं बता रहा था कि आपकी जो 30.7 अपलोडिंग बैंडविथ है और वो बैंडविथ आपको फुल नहीं मिलेगी। ओके, सो अपलोडिंग जो बैंडविड्थ है आपकी वो अल्टीमेटली कम रहेगी। नाउ केबल टीवी जो है, केबल टीवी जो बेस्ड जो नेटवर्क है इसमें एक और एक इशू है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। वो ये है कि क्योंकि कोएक्सियल केबल है तो सिग्नल उसका अपना एक लॉस, अपने उसमें भी सिग्नल का लॉस होता है, एक अपने तरीके से होता है। तो सिग्नल ओबियसली जनरली हमेशा जो जितने भी केबल्स हैं जो हार्ड मेटल केबल हैं, मेटल बेस्ड केबल्स हैं लाइक यूटीपी एचटीपी, तो इनमें सिग्नल एक डिस्टेंस के बाद उसकी जो पावर ये कहीं एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस हो जाता है या डिटीरियोट हो जाता है। तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं अटीन्यूएशन। तो सिग्नल है उसकी एनर्जी लॉस होती जाती है डिस्टेंस के साथ। ओके, दैट मीन्स सिग्नल अटीन्यूट होता जाता है। तो जितना आप फाइबर नोड जो है यहाँ से जितनी दूरी पर होंगे, ओके, जितनी दूरी पर होंगे उतने ही आपको डेटा रेट कंपैरेटिवली कम मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ आते आते सिग्नल वीक हो जाएगा, और वीक सिग्नल जब होता है तो फिर सिग्नल का रिकॉग्निशन नहीं प्रॉपर हो पाता है, और उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि डेटा रेट कम हो जाती है। तो इफेक्टिव डेटा रेट आपको डिपेंड करेगा कि कितने लोग आपके एरिया में एक इस फाइबर नोड से या एक जो सिंगल केबल जा रही है इससे कितने लोग एक साथ कनेक्टेड हैं। ज़्यादा लोग होंगे
तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों के बीच में ट्रैफिक शेयर हो जाएगा, है ना, ये बैंडविड्थ शेयर हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा यूज़र होंगे उतनी ही ज़्यादा आप उतनी ही कम डेटा रेट आपको मिलेगी, कम यूज़र होंगे तो डेटा रेट ज़्यादा मिल जाएगी। सो इट विल डिपेंड ऑन कि कितने यूज़र्स हैं। दूसरा, आप एक तरीके से कहिए फाइबर नोड या केबल हेड एंड है, फाइबर नोड से कहेंगे हम कि इससे कितनी दूरी पर हैं, ठीक है। आप नज़दीक होंगे तो आपको डेटा रेट अच्छी मिलेगी, जो जैसे मैंने बताया DSL के केस में भी यही है, तो सेम थिंग ऑल्सो वर्क्स हियर, ठीक है। सो दिस इज़ योर कोएक्सियल केबल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम केबलिंग, ठीक है। बाकी ईथरनेट, वायरलेस एक्सेस नेटवर्क ये सब हम लोग आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। सो आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट ऑन टाइम हियर, क्योंकि इनको दोबारा फिर पढ़ेंगे तो बेटर है कि हम उसी टाइम पर इनको डिस्कस कर लेंगे। लेट मी मेक इट फुल स्क्रीन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिकल मीडिया, ओके। सो एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो इंटरनेट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ केबलिंग इस्तेमाल होती है, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द यूजर और द ISP, दे यूज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ केबल्स, ओके। सो जो आपका इलेक्ट्रिक्स, ऑब्वियसली जो सिग्नल है आपका, दैट रिक्वायर्स ए मीडियम टू प्रोपगेट, वट एवर सिग्नल यू हैव दैट रिक्वायर ए मीडियम। तो जनरली जो अगर आप इलेक्ट्रिक सिग्नल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए आपको एक मेटेलिक वायर की ज़रूरत होगी। अगर आप अपने डेटा को ऑप्टिकल सिग्नल के फॉर्म में इनकोड कर रहे हैं तो ऑप्टिकल सिग्नल को भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, खास करके गाइडेड जो लेजर बीम्स हैं। हालांकि ऑप्टिकल जो सिग्नल है वो आपके थ्रो स्पेस भी ट्रेवल कर सकता है, जैसे सनलाइट आती है वो भी ऑप्टिकल सिग्नल ही है, सो दैट ट्रेवल्स। तो बट उसमें जो है ना इंटरफेरेंस ज़्यादा आएगा। तो ऑप्टिकल सिग्नल के लिए हम जनरली ऑप्टिकल फाइबर केबल डिज़ाइन करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम मान के चलते हैं कि देयर इज ए इनविजिबल मीडियम दैट इज अवेलेबल। हालांकि कोई मीडियम नहीं है, वो वेव्स हैं वो आपके ओपन स्पेस में इजीली ट्रैवल कर सकती हैं, ओके। तो वर्चुअली एक्चुअली उनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, दे कैन ऑल्सो ट्रैवल इन वैक्यूम, बट हम मान लेते हैं कि एक इनविजिबल मीडियम है। तो ऑल इन्फॉर्मेशन जो सिग्नल के फॉर्म में इनकोड होती है और सिग्नल को ट्रैवल हो करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो मीडियम आपके दो तरीके के हो गए। एक मीडियम जैसे हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया, तो गाइडेड मीडिया में सिग्नल क्या करता है, एक सॉलिड मीडिया मीडियम जो है उसके अंदर प्रोपगेट करता है। सॉलिड मतलब कोई मेटल होगी या कोई और टाइप का मटेरियल होगा जो कि सॉलिड मटेरियल होगा और सिग्नल वहाँ ट्रैवल करेगा। तो आपका जैसे कॉपर वायर है, जो UTP HTP केबलिंग्स हैं, दे आर सॉलिड, दे आर मेड ऑफ फ्रॉम सॉलिड मटेरियल लाइक मेटल, लाइक कॉपर, कॉपर से बनी होंगी। समटाइम्स कुछ केबलिंग जो इलेक्ट्रिसिटी में आपने इस्तेमाल किए होंगे उसमें कभी कभी एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल होता है। यू कैन यूज गोल्ड और सिल्वर ऑल्सो, हालांकि गोल्ड और सिल्वर से यूज करने से कॉस्ट बढ़ जाती है, तो जनरली कॉपर इज द गुड मैकेनिज्म, ठीक है। हालांकि हम एल्यूमिनियम की भी केबल इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उसमें जो लॉस सिग्नल का ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम डेटा के लिए ज़्यादातर एक बेटर ऑप्शन ढूंढते हैं जिसमें लॉस भी कम से कम हो और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ना हो, है ना। वैसे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि गोल्ड आप इस्तेमाल करें, क्योंकि गोल्ड में सिग्नल बहुत अच्छे से ट्रेवल करता है, बट यू कैन नॉट यूज गोल्ड इन द केबल्स। ओके, क्योंकि गोल्ड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी केबलिंग कॉस्ट केबल कॉस्टली हो जाएगी, ओके। तो आपका जो गाइडेड मीडिया है जनरली उसमें हम कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं, कॉपर इस्तेमाल करते हैं। कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, सो दैट्स एंड कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सो दैट्स वाई वी यूज कॉपर। एंड दूसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल एक स्पेशल मटेरियल, प्लास्टिक या प्लास्टिक एक तरीके से कहिए या फाइबर मटेरियल की बनी होती है, एंड इट इज़ कंपेरेटिवली कॉस्टली टू द कॉपर वायर, बट इसमें एडवांटेज ये है कि सिग्नल का लॉस बहुत कम होता है और सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल कर सकता है। सो कॉपर वायर इज अ गुड ऑप्शन, बट इट इज़ कॉस्टली ऑप्शन कंपेरेटिवली टू कॉपर केबल। देन दूसरा टाइप के मीडियम है वो है अनगाइडेड मीडिया। सो अनगाइडेड मीडिया में आपका सिग्नल एक्चुअली किसी भी
मेटल के अंदर ट्रैवल नहीं करता, एक्चुअली इट ट्रैवल्स इन ए फ्री स्पेस। ओके, सो वो फ्री स्पेस आपका एयर स्पेस हो सकता है और इट कैन बी ए वैक्यूम ऑल्सो। ओके, क्योंकि आपको मालूम है कि जो EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दे कैन ट्रैवल इन सम वैक्यूम ऑल्सो। सो अनगाइडेड मीडियम है आपके जो अनगाइडेड मीडियम मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन। सो आपका वाईफाई जो है आपका, या WLAN है, वाईमैक्स है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ऑल कम्स ऑल यूजेस दिस काइंड ऑफ मीडिया, जैसे हम अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। तो इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। ओके, सो इसमें भी कई तरीके के मीडियम, कई तरीके के मीडिया हैं। गाइडेड में भी कई तरीके के मीडिया अवेलेबल है, अनगाइडेड में भी आपके पास कई ऑप्शन हैं। सो लेट सी देम वन बाय वन। सो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है वो है गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि आपके दो पेयर, दो कॉपर वायर्स होंगे जो कि इंसुलेटेड मटेरियल जो है उसके अंदर बंद रहते हैं। तो जब आप नॉर्मल आपने वायर भी देखा होगा, उसके ऊपर रबर का या प्लास्टिक का कव खोल होता है, तो वो इंसुलेशन के लिए किया जाता है। एंड फिर क्या करते हैं हम, जो आपका जो दो कॉप जो वायर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ लपेट देते हैं स्पायरल फॉर्म में। जैसे आपने देखा हो घर पर जो केबल आता है उसमें दो केबल्स एक दूसरे के ऊपर गुथी हुई होती है चोटी की तरह, है ना। सो दैट काइंड ऑफ केबल इज द UTP ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, सो ट्विस्टेड पेयर केबल में इस तरीके से एक दूसरे को स्पायरली कनेक्ट करने से क्या होता है, जो इंटरफ्रेंस है सिग्नल्स का, एक दूसरे के सिग्नल्स का, वो आपस में जीरो हो जाता है। क्योंकि आप अगर किसी भी कॉपर वायर में या किसी भी वायर के ऊपर ऊपर कवर भी चढ़ाते हैं तब भी उसमें इंटरफ्रेंस हो सकता है, क्योंकि दो केबल्स एक साथ जब जाएंगे तो केबल्स की भी अपनी प्रॉपर्टी है कि जब भी केबल्स में से सिग्नल ट्रेवल करता है तो वो सिग्नल जो है ना एक तरीके से रेडिएट होता है। ओके, तो आपने एंटीना इफेक्ट पढ़ा होगा, जब भी आप किसी मेटल से सिग्नल को गुजारते हैं, निकालते हैं, तो वो क्या करता है, सिग्नल उसमें से रेडिएट होना शुरू हो जाता है और आपका जो मेटल है वो एंटीना की तरह काम करने लग जाता है। तो वो एंटीना इफेक्ट वो हर मीडियम मेटल में होता है। ओके, तो अलग अलग मेटल्स में अलग अलग तरीके से होता है। तो उस एंटीना इफेक्ट को, रेडिएशन को कम करने के लिए हम उसे इंसुलेट कर देते हैं, और फिर इंसुलेशन भी परफेक्ट नहीं होता है तो क्या होता है कि उस एंटीना इफेक्ट की वजह से एक केबल का सिग्नल दूसरी केबल में जा सकता है और वो सिग्नल जाएगा तो दूसरे केबल के सिग्नल को अफेक्ट करेगा, ठीक है, उसके साथ मिक्स होकर के उसकी एनर्जी को कम करेगा या बढ़ा देगा, दोनों ही केस में आपके लिए प्रॉब्लम है। तो हम उस एंटीना इफेक्ट को रोकने के लिए पहले तो हम उसको जैकेट में रखते हैं और फिर उनका स्पायरल कर देते हैं। स्पायरल करने से वो एक दूसरे का जो सिग्नल है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम उसके मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे, बट यू शुड रिमेंबर दैट कि उनको स्पायरल करने से एक्चुअली क्या होता है, एक दूसरे के वो इम्पैक्ट इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और इंटरफ्रेंस जीरो हो जाता है। ओके, तो आपकी जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं दो तरीके की आती हैं, UTP एंड HTP। ओके, सो कॉमन आपकी जो केबल है वो है UTP, और UTP में कई कैटेगरी है, CAT 1, CAT 2, CAT 3, CAT 4, CAT 5, CAT 6। ओके, एंड CAT 1 से लेकर के CAT 3 जो केबलिंग है वो जनरली टेलीफोन में इस्तेमाल होती है। जब आपने घर में टेलीफोन कनेक्शन लिया होगा तो जनरली उसमें CAT 3 केबल आपकी मिलती है। देन CAT 3 से ऊपर की जितनी भी केबल हैं 4, 5, 6, हालांकि 4, 5 आपको देखने को नहीं मिलेंगी, 4 नहीं देखने को मिलती है, लेकिन CAT 5 और CAT 6 कॉमनली आपको देखने को मिलती हैं। और इनके डेटा रेट अच्छे, जो आपकी UTP केबल्स हैं दे ऑफर वेरी गुड डेटा रेट, अप टू सम 1 Mbps से लेकर के 10 Gbps तक की आपको डेटा रेट इन केबल से मिलती है। इन केबल्स में भी काफ़ी चेंजेज हुए हैं, पहले इतनी डेटा रेट नहीं मिलती थी, बट ड्यू टू टेक्निकल एडवांसमेंट नाउ दीज केबल्स अप टू जो CAT 6 कैटेगरी की जो केबल्स हैं दे कैन ऑफर यू द डेटा रेट अप टू 10 Gbps ऑल्सो, ठीक है। हालांकि इन केबल्स की एक लिमिटेशन भी है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, कुछ मीटर्स तक ही आपको वो डेटा रेट मिलेगी। तो आपको इन केबल्स में एक्चुअली डेटा रेट बढ़ाना हो तो ओबियसली आपको कॉपर वायर की थिकनेस बढ़ाना पड़ती है, और दूसरा है कि आप डिस्टेंस कम करिए। तो डिस्टेंस और कॉपर की थिकनेस दोनों पर आपकी डेटा रेट डिपेंड करती है। ओके, तो CAT 4, CAT 5 में कई कैटेगरीज, सो कई तरीके की मतलब केबलिंग अवेलेबल है। सो आपने CAT 5 या CAT 6 केबल देखी होगी, दिस डायग्राम शोज ए काइंड ऑफ केबल दैट यू सी इन योर लैब में आपने देखा होगा, या आपके घर पर आपके पास भी इस तरीके की केबल होगी। अगर आपने टेलीफोन कनेक्शन लिया हो और आप उसके थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो इस तरीके की केबल्स जो है
आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैट फाइव केबल होगी या कैट सिक्स होगी, जनरली आप जो इस्तेमाल करेंगे वो कैट फाइव या कैट सिक्स होगी, लिखा होता है केबल के ऊपर कि कैट फाइव है या कैट सिक्स है। एंड इस तरीके का एक कनेक्टर होता है, इसे बोलते हैं हम RJ45 कनेक्टर। और ये कनेक्टर आपके लैन पोर्ट में भी दो, ये भी एक लैन आपके जो मशीन है उसमें भी लैन पोर्ट आता है, उससे आप इसे कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। ओके, एंड जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल है उसमें एक और कैटेगरी आती है, दैट इज UTP। तो UTP में क्या होता है कि जो वायर है, नाउ ये ध्यान रखना है कि ये जो कैट केबल है, लेट मी शो यू द डायग्राम, अगर एक डायग्राम होगा अगर, तो कैट सिक्स केबल इमेज, यू कैन सी दिस वन। सो आप देख सकते हैं ये जो है ये कॉपी, ये जो केबल है इसमें आप देखें दोनों को स्पाइरल किया हुआ है। तो जो कैट सिक्स केबल है, एक सिंगल केबल के अंदर मल्टीपल पेयर्स होते हैं ऐसे केबल के, दिस इज वन पेयर, दिस इज अनदर पेयर, दिस इज वन पेयर, दिस इज वन पेयर। सो मल्टीपल पेयर्स यू कैन हैव डिपेंड ऑन केबल कितने के पेयर्स हैं ऐसे, और हर पेयर एक सिंगल चैनल की तरह से बिहेव करता है। ओके, हर एवरी पेयर हैव ए कैन बिहेव लाइक ए सिंगल चैनल, और इसके ऊपर एक सिंपल प्लास्टिक का जैकेट होता है। ठीक है, दिस इज योर कैट सिक्स केबल। तो इसमें जो चार पेयर्स ही दिखाएं दे, बट अगर आपको हाई डेटा रेट केबल चाहिए तो यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑल्सो। ओके, सो नाउ हम आते हैं कोएक्सियल केबल पर। सो कोएक्सियल केबल भी आपने देखा होगा, ये डायग्राम इज, दिस डायग्राम नॉट गुड, लेट्स सी सम मोर बेटर डायग्राम फॉर कोएक्सियल केबल। सर RJ11 का यूज किसको है? हैं RJ11 आपका वीडियो के लिए इस्तेमाल होता है सर, उसमें पेयर टू ही ना होता है? बता रहे हैं अभी कैसा होता है कोएक्सियल केबल इमेज। लेट्स सी दिस डायग्राम। हाँ, सो दिस इज योर कोएक्सियल केबल। सो कोएक्सियल केबल में एक सबसे पहले कंसेंट्रिक सेंटर में एक मोटा वायर होता है कॉपर का, एंड इसकी जो डेटा रेट है इस कॉपर के वायर की थिकनेस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, एंड देन इसके ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, जो इलेक्ट्रिक इंटरफ्रेंस को रोकता है, एक उस मटेरियल की कवर होती है। आपने ये केबल देखी होगी घर पर, आपने डिश में कनेक्शन में देखी होगी। ये केबल भी कई क्वालिटी में आती है ना, आपको HDTV के चाहिए तो और बेटर क्वालिटी की केबल चाहिए होगी। तो RJ58, RJ59 दो तरह की केबलिंग इस्तेमाल होती है। RJ58 आपकी जनरली टेलीविजन के लिए इस्तेमाल होती है, 59 या उससे उसके और डिफरेंट हायर वर्जन्स भी हैं, दे आर यूज इन इंटरनेट। ठीक है, सेम केबल इस्तेमाल नहीं होती है इंटरनेट में। ठीक है, जो टेलीविजन के लिए अलग होती है, एंड इसमें भी वेरिएशंस आते हैं। ऑडियो वीडियो के लिए अलग, सिंपली ऑडियो है तो अलग केबल आप इस्तेमाल करेंगे, ऑडियो वीडियो के लिए अलग केबल आती है, और HD सिग्नल आपको इस्तेमाल करना है तो और बेटर क्वालिटी की आपको केबल इस्तेमाल करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये सेंटर में एक वायर होता है, मोटा वायर होता है कॉपर का, और उसके ऊपर एक इंसुलेशन मटेरियल, इसमें ब्लू कलर दिखाया गया लेकिन आपने घर पे देखा होगा तो वाइट कलर का एक इंसुलेशन मटेरियल रहता है, प्लास्टिक जैसा कुछ। तो ये एक इंसुलेशन मटेरियल होता है। ओके, देन इसके बाद ऊपर एक कॉपर की जाली होती है, कॉपर की जाली। इसका काम क्या होता है, कॉपर की जाली जो है ये आउटसाइड से अगर कोई इलेक्ट्रिक इंटरफ्रेंस आता है तो ये उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस कॉपर की जाली का काम क्या है, मेटल फॉइल का या जो मेस का, कि इट एब्जॉर्ब्स द एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो बाहर से आता है। ओके, एंड देन आउट, ये पूरा का पूरा मटेरियल एक आउटसाइड इंसुलेशन मटेरियल के अंदर बंद होता है। तो आप देखेंगे दो इंसुलेशन मटेरियल है, एक यहाँ है एक यहाँ है। ओके, और ये जो फॉइल है इसका रोल क्या है, आपका सिग्नल इसके केबल के अंदर ट्रेवल करता है, और इसका काम क्या है कि बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नॉइज आ रहा है या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ रहा है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, सो जब इंटरफेरेंस कम होगा तो ओब्वियसली आपको डेटा रेट अच्छी मिलेगी।
तो डिपेंड करता है कि ये मेटल फॉइल की क्वालिटी कितनी अच्छी है और इस केबल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये जो मटेरियल इस्तेमाल हुए इंसुलेशन के लिए इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, इन पर आपके जो केबल है उसकी डेटा रेट डिपेंड करती है। और ओबियसली जब हाई डेटा रेट मिलेगी तो उसी हिसाब से आप अपने एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वीडियो के लिए आपको ज़्यादा डेटा रेट चाहिए होती है तो आपको फिर अच्छी क्वालिटी की केबल रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो दिस इज द कोएक्सियल केबल। हालांकि कोएक्सियल केबल में थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली होती है यूटीपी से। यूटीपी एचटीपी काफ़ी सस्ती होती हैं और यूटीपी से थोड़ी महंगी एचटीपी होती है, क्योंकि एचटीपी में और इंसुलेशन ज़्यादा होता है। जनरली एचटीपी आपको कम देखने को मिलती है, यूटीपी इज मोर पॉपुलर क्योंकि सस्ती भी है और अच्छी डेटा रेट ऑफर करती है। ओके, सो कोएक्सियल केबल जो है इसकी डेटा रेट सम एमबीपीएस 10 एमबीपीएस से लेकर के अप टू 1 जीबीपीएस तक जा सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ केबलिंग है वो है आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल। एंड फाइबर ऑप्टिक केबल में आपका क्या होता है कि ग्लास फाइबर होता है जो कि आपके इलेक्ट्रिक पल्सेस को लेके जाता है। सो फाइबर जनरली बहुत पतला होता है, यू कैन थिंक ऑफ लाइक एक बाल या धागे की मोटाई का होता है, एंड इसमें से सिग्नल ट्रेवल कर सकता है। ओके, सो ये जो वायर है, ये जो ग्लास है, ये इस तरीके का बना होता है कि इसमें एक सेंटर में एक बहुत बारीक सा होल होता है बाल के मोटाई जैसा। एंड ये जो है, ये जो मटेरियल है, इसमें दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने से वो इस तरीके से रखा जाता है कि जब लाइट एक पर्टिकुलर सिग्नल पर इम्पोज करे तो उसमें टोटल जो है टोटल रिफ्लेक्शन हो जाए। सो जब सिग्नल का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो ऑप्टिकल सिग्नल का कोई भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपने अभी कभी 12th के फिजिक्स में पढ़ा होगा, 12th की फिजिक्स की बुक में, कि इस तरीके से जब आपका यहाँ पे एक मटेरियल अलग है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग है ना, तो वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर। डेंसिटी पर तो कई बार जैसे आपने देखा होगा, ये वाटर है, वाटर में एक छड़ी पड़ी हुई है तो ऊपर एयर है, तो आपको देखा होगा वो छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो ऑप्टिकल लाइट ऐसे जाती है तो वो इधर बेंड कर जाती है, तो इसलिए आपको वो छड़ी क्या करती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। पानी में पड़ी हुई एक छड़ी हो जो आधी ऊपर है और आधी नीचे है तो आपको बेंड दिखाई देती है, तो वो इसलिए होता है कि यहाँ पर जो एयर है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होता है, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग होता है, डेंस होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए क्या किया गया, आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसके मटेरियल को अलग तरीके से बनाया गया। तो ये जो मटेरियल है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है, ये जो ऊपर वायर है, फिर इसके बाद ऊपर एक और लेयर होती है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होता है। सो नाउ ये जो डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के जब मटेरियल्स पड़ते हैं तो यहाँ पर भी जैसे इसमें भी केस होता है ऐसा कि एक पर्टिकुलर एंगल पर आप जिस सिग्नल को इंसिडेंस करेंगे ऑप्टिकल सिग्नल को, सो लेट से दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये जो इंसिडेंस एंगल है इसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, या आप ऐसे इस तरह भी माप सकते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो जब आपकी लाइट इस क्रिटिकल एंगल पर इस मीडियम से टकराती है तो वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, और अगर क्रिटिकल एंगल पर नहीं टकराएगी तो क्या होगा, वो बैंड होकर के ऐसे करके क्रॉस कर जाती है, तो उसकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। हालांकि पूरी एनर्जी इधर से नहीं जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी और कुछ क्रॉस कर जाएगी। लेकिन अगर ये जो डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के मटेरियल एक साथ जुड़े हुए हैं और जब सिग्नल आपका क्रिटिकल एंगल पर यहाँ पर इंसिडेंस किया जाता है, तब उस केस में क्या होता है, इस साइड कोई भी सिग्नल नहीं जाता है, लगभग नेग्लिजिबल सिग्नल जो है इस साइड जाएगा और सिग्नल कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये जो मटेरियल है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब सिग्नल क्रिटिकल एंगल पर डाला जाए तो जब सिग्नल पर रिफ्लेक्शन होगा तो आप हर एंगल, ये वाले जो एंगल है, हर बार क्रिटिकल एंगल बनेंगे, और क्रिटिकल एंगल बनेंगे तो सिग्नल क्या करेगा, टोटली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा सिग्नल का, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा तो सिग्नल इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और उसकी एनर्जी लॉस बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबली लॉस होगी। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपका जो ये केबल में सिग्नल है वो कई किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स
किलोमीटर तक जो है सिग्नल आपका बिना लॉस के, सिग्निफिकेंट लॉस के ट्रेवल कर सकता है। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होते हैं, और ये आपको चूंकि सिग्नल में लॉस नहीं होता है तो आप हाई डेटा रेट भी अचीव कर सकते हैं। तो ये आपको हाई डेटा रेट भी ऑफर करते हैं, अप टू GBPS जो है वो डेटा रेट आपको देते हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये एक तो डेलिकेट होते हैं, अगर आप इसको बेंड कर देंगे तो हो सकता है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टी होल्ड ना हो, है ना, ये जो बहुत नाजुक होता है इसको बेंड कर देंगे तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसलिए इनको एक स्ट्रॉन्ग जैकेट के अंदर रखा जाता है। ठीक है, स्टिल फिर भी इनके टूटने टूटने का रिस्क कभी कभी रहता है ना। हालांकि नाउ डेज सॉफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं और इनकी जो जैकेटिंग है बहुत अच्छी की जाती है, तो इसमें इशू नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसी जगह पर इनको लेट डाउन नहीं किया जाता है जहाँ ह्यूमन इंटरफ्रेंस हो, जनरली इसीलिए इनको ज़मीन के अंदर लगा दी गाड़ा जाता है पाइप्स के अंदर। हालांकि यहाँ मैंने देखा है पटना से गया के बीच में जो केबलिंग आई हुई है ना ऑप्टिकल, वो पेड़ों पे आई हुई है रोड के किनारे, इस किनारे गया पटना का जो जहानाबाद वाला हाईवे है ना उसमें पेड़ों के ऊपर से आई हुई है, तो इसलिए इधर गया में जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आती है। और प्रॉब्लम कभी केबल बैंड होगी, टूट जाएगी किसी वजह से, तो फिर दिक्कत होगी, इंटरनेट लॉस हो जाता है, चला जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर का एक सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसमें चूंकि लॉस नहीं होता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन होता है, इसलिए जो ISPs हैं आप उन ये इस केबल को अपने बैकबोन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नॉर्मल यूज़र के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यूज़र को जब आप केबल ये लेड करेंगे तो उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा। जैसे आपके घर में UTP केबल जो कंपनी टेलीफोन कंपनी ला लेकर के आती है तो सस्ती होती है, ठीक है, तो उसमें यूज़र कॉस्ट बियर कर सकता है जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट या जो कुछ भी लगता है। लेकिन अगर आप ऑप्टिकल फाइबर केबल लगवाएंगे तो या तो कंपनी ही बियर करे, या दोनों लोग बियर करें आधा आधा, या फिर पूरा कस्टमर दे। तो चूंकि यह केबल कॉस्टली होती है तो ये जो है ना इसको जनरली यूज़र के प्रिमाइस तक बहुत ही कम लेके जाता है। हालांकि अब आपका जो जियो जो फाइबर कनेक्शन के लिए जियो फाइबर लेके आ रहा है तो वो भी एक तरीके की एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो हमने डिस्कस तो नहीं की है, बट उसमें आपके घर में सीधे के सीधे फाइबर केबल लेके आ जाता है, ले जाते हैं, और फिर उसको एक टर्मिनेटर से टर्मिनेट करके आपको फिर इंटरनेट कनेक्शन दिया जा सकता है राउटर जोड़ करके। तो उसमें जो आपको डेटा रेट है वो काफ़ी हाई स्पीड का डेटा रेट मिलेगा, बट वो टेक्नोलॉजी ओबियसली कॉस्टली है, तो आपको चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा होंगे। ओके, नाउ दूसरे टाइप का जो सिग्नल है आपका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। ओके, तो जो अनगाइडेड मीडिया है उसमें आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स आते हैं। तो अनगाइडेड मीडिया की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो सिग्नल है वो ओपन स्पेस से ट्रैवल करते हैं। तो अनगाइडेड मीडिया की अपनी प्रॉपर्टी है कि ये जो है ओपन स्पेस में ट्रैवल करते हैं। पहली चीज, दिस इज सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, तो दिस सिग्नल कैन ट्रैवल इन ओपन स्पेस, लेकिन अल्टीमेटली ओबियसली एक डिस्टेंस के बाद इस सिग्नल की एनर्जी भी लॉस होगी, लॉस्ट एनर्जी आफ्टर ट्रैवलिंग अप टू ए डिस्टेंस। नाउ कितनी डिस्टेंस पर ट्रैवल कर रहा है, कब कितनी दूर देर बाद इसकी एनर्जी लॉस्ट होगी, डिपेंड करेगा इस सिग्नल की कितनी एनर्जी है, और सिग्नल की एनर्जी को आप जनरली वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी से। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विल हैव हाई एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विल हैव लो एनर्जी। तो ओबियसली हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है ना ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कम दूरी तक ट्रैवल करता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार जो सिग्नल्स हैं हमारे वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं जो हम जनरेट करते हैं, जैसे वॉइस है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, या डेटा का भी जो इनकोडिंग से सिग्नल बनेगा इनकोडिंग करके वो भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। तो हम क्या करते हैं उसे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर मॉड्यूलेट करके या ये कहिए उसके ऊपर रख करके दूर दूर तक भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी कुछ भी हो अल्टीमेटली जब सिग्नल ट्रैवल करेगा तो उसकी एनर्जी खत्म होती है। मेटल में जो एनर्जी का लॉस है वो तेजी से नहीं होता है, लेकिन ओपन स्पेस में एनर्जी का लॉस तेजी से होगा, इसलिए ये सिग्नल या तो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करेंगे, अगर आपको ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कराना है तो आपको ज़्यादा पावर इनको जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, सो वाईफाई सिग्नल्स के लिए यू विल रिक्वायर मोर पावर।
ठीक है, जैसे या जैसे आपने देखा होगा अगर आप लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट करके चलाएंगे तो आपकी बैटरी जल्दी कंज्यूम होगी, क्योंकि वाईफाई सिग्नल के लिए ट्रांसमिशन में आपके जो मशीन है उसको भी सिग्नल जनरेट करना पड़ेगा, आपका जो वायरलेस ट्रांसमीटर है तो दैट विल कंज्यूम द एनर्जी, है ना। अगर आप वाईफाई ऑफ कर देंगे तो आपकी एनर्जी कंपेरेटिवली स्लोली कंज्यूम होगी। नाउ दिस इज वन थिंग। दूसरा एस्पेक्ट जो है, ये जो सिग्नल्स हैं दे सफर से लॉस, वेराइटी ऑफ लॉसेस आर देयर, दीज सिग्नल्स सफर ए वेराइटी ऑफ लॉस, ए वेराइटी ऑफ लॉसेस इन ओपन स्पेस। वो लॉस क्या है? सबसे पहला तो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, एक तो यही हो गया कि सिग्नल की एनर्जी चली जा रही है रेडिएशन की वजह से, एनर्जी रेडिएट हो जाती है टाइम के साथ डिस्टेंस को ट्रेवल करते करते, वो तो है ही है, दैट इज कॉल्ड अटीन्यूशन। अटीन्यूशन दोनों ही में होता है, ठीक है। अटीन्यूशन एक टेक्निकल टर्म है, आप याद कर लीजिएगा। अटीन्यूशन का मतलब होता है लॉस ऑफ द एन लॉस इन द एनर्जी ऑफ द सिग्नल वाइल ट्रेवलिंग। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते करते आपकी सिग्नल की एनर्जी अटीन्यूएट हो जाती है। मेटल में भी होती है, मेटल में क्या होता है, आप हर मेटल का एक रेसिस्टेंट होता है, तो उस रेसिस्टेंट और इम्पीडेंस को ओवरकम करने में सिग्नल की एनर्जी ख़त्म होती है, तो अटीन्यूएशन हमेशा होता है सिग्नल में, ठीक है। सो अटीन्यूएशन एक लॉस होता है, जिसमें अटीन्यूएशन इज ए लॉ मीनिंग होता है सिंपली लॉस इन द एनर्जी ऑफ द सिग्नल, लॉस लॉस ऑफ द एनर्जी ऑफ ए सिग्नल, ठीक है। नाउ इसके बाद जो सिग्नल है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जनरली ये कई सारी जो इंटरफ्रेंस इनके रास्ते में आती हैं, जैसे वॉल आ गई तो ये उसको क्रॉस कर लेते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स और ये सब इनको क्रॉस कर लेते हैं, जिनका लैम्डा ज़्यादा होता है वो वॉल और इन सबको क्रॉस कर लेते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं मैनी सिग्नल्स डिफरेंट टाइप के इंटरफ्रेंस। बट सम टाइम्स क्या होता है कि कई सारे जो शार्प ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट आ गया जैसे वॉल का किनारा आ गया, तो वहाँ से सिग्नल क्या करेगा, जैसे ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पर एक शार्प ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसकी वजह से सिग्नल बैंड कर जाता है, अपना रास्ता बदल लेता है, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, या कई बार रिफ्लेक्शन भी हो जाता है, ऑब्जेक्ट टकराया ये उससे क्रॉस नहीं कर सकता तो सिग्नल रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन हो सकता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। सो इनकी वजह से सिग्नल जो है ना अपना रास्ता बदल सकता है और आपके पास नहीं पहुंचे, है ना। ये सोर्स इधर था और यार डेस्टिनेशन है, पता चला सिग्नल को ऐसे जाना चाहिए था बट सिग्नल ऐसे चला गया। ओके तो सिग्नल पूरा ऐसे नहीं जाएगा, कुछ जो एनर्जी है या कुछ पार्ट्स हैं वो इस तरीके से चले जाएंगे, क्योंकि एक सिग्नल जो है ना सिंपल सिग्नल नहीं होता है, जो भी सिग्नल्स आप ट्रैवल कराते हैं वो एक सिंगल सिग्नल नहीं होता, उसमें कई सारी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल होते हैं, तो कुछ सिग्नल्स इधर चले गए, मतलब कुछ एनर्जी इधर चली गई, कुछ एनर्जी सीधे चले गए, कुछ एनर्जी इधर चली गई। ओके तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब एक और लॉस सिग्नल की एनर्जी में होता है, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपाथ फेडिंग, मल्टीपाथ, ये भी डेफिनेशन आपको समझ लेनी है और याद रखना है। सपोज ये आपका सोर्स है, यहाँ से सोर्स ने से एक सिग्नल ट्रेवल सेंड किया और ये आपका रिसीवर है, ये सेंडर है जो कि ट्रांसमीटर होगा, ठीक है, ट्रांसमीटर टी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांसमीटर ने एक सिग्नल जो है ना सेंड किया। ओके ये सिग्नल है, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। नाउ ये जो सिग्नल है, एक तो ऑप्शन है कि सिग्नल सीधे सीधे ट्रेवल करके पहुंचेगा रिसीवर तक, जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट सिग्नल, LOS सिग्नल, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, जो सिग्नल सीधे सीधे ट्रेवल करता है ना उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट सिग्नल। देन चूंकि ये सिग्नल है इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, मल्टीपल सिग्नल इन्वॉल्व हैं, तो कई बार हो सकता है ये जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है तो किसी बिल्डिंग की वजह से रिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्ट होकर के भी ऐसे ऐसे करके कहीं दूर चला गया और फिर रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आके पहुंच गया, तो एक ही सिग्नल जो है ना ये वाला सिग्नल कई तरीके से रिसीवर के पास पहुंचता है, मतलब सेम एनर्जी थी लेकिन डिवाइड हो करके ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ से फॉलो करते हुए, एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया, एक ये पाथ हो गया, तो मैंने तीन ही पाथ ड्रॉ किए,
बट मल्टीपल ऐसे पाथ हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन कौन सी बाधा, कितनी बाधा या किस तरीके का एनवायरनमेंट है या बीच में, दोनों के सेंडर और रिसीवर के बीच में, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो सिग्नल यहाँ पर अलग अलग रास्ते से पहुंचेगा, और जब अलग अलग रास्ते से पहुंचेगा तो ऑब्वियसली उनमें डिले अलग अलग होगा। डिले का मतलब होता है फेस डिफरेंस। सो ये जो सिग्नल्स हैं इनमें जो फेस डिफरेंस है, अच्छा मैंने आपको कहा था सिग्नल के जो कई सारी प्रॉपर्टीज हैं उसको आपको पढ़ के आना है, आपने पढ़ा है ना ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड, फेस डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये लॉसेस ऑफ द सिग्नल्स, बैंडविड्थ क्या है, ये सब ऑल दैट, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि सिग्नल जो है ना मल्टीपल पाथ से चूंकि पहुंच रहा है, और मल्टीपल पाथ से पहुंच रहा है तो इनमें डिले अलग अलग है, और जब डिले अलग अलग आता है तो ऑब्वियसली इनका जो फेज डिफरेंस है वो अलग अलग हो जाता है, और फेज डिफरेंस का मतलब होता है इनका जो एंगल है वो पाई एंगल, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्नल का जो एंगल है वो अलग अलग हो जाते हैं, और एंगल होने अलग अलग होने की वजह से जब ये कंबाइंड होते हैं तो उनका इफेक्ट सिग्नल्स का या तो एडिटिव हो सकता है, ठीक है, जब ये सिग्नल यहाँ आकर के इकट्ठे हो गए तो ये ऐड हो सकते हैं, एडिटिव इफेक्ट हो सकता है, या सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है। दोनों ही केस में जो भी हो, सिग्नल्स आपस में जब एडिटिव इम्पैक्ट करते हैं तो सिग्नल की एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रिसीवर एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें इस बैंड में सिग्नल मिलना चाहिए इस रेंज में, लेकिन एडिटिव की वजह से क्या होगा, सिग्नल इस रेंज से बाहर का चला गया, आधा इस रेंज में आधा इस बाहर का है, तो रिसीवर इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिसीवर केवल इस बैंड के सिग्नल को रिकॉग्नाइज कर सकता है इस फ्रीक्वेंसी बैंड में, लेकिन आपका सिग्नल शिफ्ट होके एडिटिव की वजह से इस फ्रीक्वेंसी बैंड में चला गया। सबट्रैक्टिक है तो मतलब सिग्नल की सिग्नल जो ना उसमें काफ़ी सारा सिग्नल्स लॉस हो गए, उसकी बैंडविड्थ कम हो गई, और बैंडविड्थ कम हो गई तब भी आपका रिसीवर उसको सिग्नल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होने की वजह से रिसीवर जो है ना सिग्नल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। ध्यान रखना सिग्नल का कुछ नहीं हुआ है, एनर्जीज उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, लेकिन रिसीवर की एक अपनी कैपेबिलिटी है, एक पर्टिकुलर रेंज को ही वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, सारे सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है ना। रिसीवर एक इनफाइनाइट बैंडविड्थ को रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं बना, एक फिक्स बैंडविड्थ को बनाने के लिए सर्किट बनाया गया है। आपका जो रिसीवर सर्किट है वो एक पर्टिकुलर रेंज के जो बीच सिग्नल आएगा उसी को वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो कई सारी टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से सिग्नल को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से इसको बोलते हैं मल्टीपाथ फेडिंग। तो मल्टीपाथ फेडिंग एक प्रॉब्लमेटिक इशू होता है जो कि ऑप्टिकल सिग्नल्स जो आपके सॉरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जब ओपन स्पेस से ट्रेवल करते हैं तो ये इनके साथ इशूज आते हैं, और इन इशूज की वजह से कई क्या होता है कि यहाँ पर रिसीवर पर इंटरफ्रेंस होता है और जो पैकेट का लॉस है वो बढ़ जाता है, और पैकेट का लॉस बढ़ने का मतलब क्या होगा, अल्टीमेटली जो इफेक्टिव डेटा रेट आपको मिल रही होती है वो कम मिलती है। ओके सो इसलिए वायरलेस सिग्नल्स बेस्ड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें जितना ज़्यादा लॉस होगा उसमें उतना डेटा रेट आपको कम मिलेगा। तो वाईफाई में आपने देखा होगा इसलिए आपको डेटा रेट कम मिलती है। लैन आप देखेंगे जो कि वायर बेस्ड होता है, डब्ल्यू लैन वायर्ड लैन, उसमें आप देखेंगे आपको 10 Gbps अप टू वन वन से लेकर के 10 Gbps तक के लैन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, लेकिन वाईफाई आपको कितनी डेटा रेट देता है, मैक्सिमम 54 Mbps। IEEE का जो स्टैंडर्ड है 54 Mbps तक मैक्सिमम देता है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो वायरलेस सिग्नल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनमें लॉस ज़्यादा होते हैं पाथ के रिलेटेड, पाथ से रिलेटेड उन लॉसेस की वजह से जो है डेटा रेट कम हो जाती है। तो कई बार डेटा रेट को बढ़ाने के लिए इन लॉसेस को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चूंकि मैं आपका जो सिग्नल है वो कॉपर वायर में या किसी वायर में जब जा रहा है तो वायर का अपना बस केवल रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस वाला ही लॉस है, तो उसे आप हाई एनर्जी करके ओवरकम करने नहीं कर पा रहे, तो आप जनरली उसको रीजनरेट कर लेते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई कर लेते हैं, ठीक है, रिपीट कर लेते हैं रिपीटर लगा करके, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं और उसमें लॉस कम होता है सिग्नल का, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आपने रोक ही दिया, केबल पर कवरिंग लगा कर, जैकेट्स लगा करके, कवर लगा करके, या जैसे आपने ऑप्टिकल जो कोएक्सियल केबल है उसमें मेटल फॉइल लगा दिया, सो बाहर के नॉइज़ को आप कम कर देते हैं, और इंटरनल जो लॉस है वो भी उसे आप कुछ हद तक ओवरकम कर ही लेते हैं। तो इसलिए आपको जो डेटा रेट है वहाँ ज़्यादा अच्छी मिलती है, इस जो कि वायरलेस
एंड टेक्नोलॉजीज में आपको उतनी डेटा रेट नहीं मिलती है, तो उसके पीछे ये कई सारे लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो वायरलेस में भी हम डब्ल्यू लैन आगे अपने सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सेस नेटवर्क को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ इंटरनेट से रिलेटेड अब डिले और ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे, और प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया इसमें, तो आपका ये होम वर्क है कि आप इस चैप्टर को पूरे को पढ़ लें। तो नेक्स्ट क्लास तो नहीं, मतलब नेक्स्ट वीक में जो नेक्स्ट क्लास होगी उस समय तक आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा होना चाहिए आपका। ठीक है, कोई क्वेश्चन?